हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। संसाधनों का संरक्षण। देखिए, संसाधनों का संरक्षण करना कई मायने में महत्वपूर्ण रहता है। कहते हैं संसाधनों का संरक्षण करना यानी अपने भविष्य को संरक्षण करने के समान होता है, लेकिन शायद ये बड़े बड़े लोग नहीं समझ पाते हैं और जो प्राकृतिक संपदाओं को ऐसे विनाश करते हैं जैसे कुछ भी नहीं है इनके लिए इसका अर्थ। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि संरक्षण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं अगर इन चीज़ों का संरक्षण नहीं कीजिएगा तो शायद आने वाला समय में आपका अपना अस्तित्व ही नहीं बच पाएगा। तो संसाधनों का संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं संसाधन संरक्षण से उनके विवेकपूर्ण और जो है नियोजित उपयोग के साथ ही उनके अपव्यय दुरुपयोग अति उपयोग से बचाव करते हुए प्राकृतिक संसाधनों का पुण्य उपयोग करना। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आया है कि हमें जो है संसाधनों का विवेकपूर्ण और नियोजित उपयोग करने की आवश्यकता है, लेकिन लोग ऐसे नहीं कर रहे हैं। आज पैसे के लालच में लोग जो है इन सभी चीज़ों का दुरुपयोग कर रहे हैं और जो है प्राकृतिक चीज़ों का जो है वह नष्ट करते चले जा रहे हैं। आज संसाधनों का कम होना सबसे बड़ी चिंता का सबसे बड़ा विषय बन गया है, लेकिन ये चिंता का विषय सिर्फ प्राकृतिक का है, कहते इंसानों का तो है ही नहीं। क्योंकि इंसान अगर इस बात पर चिंता करता तो शायद ऐसे प्राकृतिक का विनाश नहीं करता। आज देखिएगा कि हर क्षेत्र में जो है बड़े बड़े जो है फॉरेस्ट को नष्ट करके घर का निर्माण करवाया जा रहा है और सरकार जो है आंख बंद करके बैठी पड़ी है। तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है और चिंता का विषय यहाँ मनुष्य के लिए नहीं है, प्राकृतिक के लिए है। कहते प्राकृतिक चिल्ला रही है, सोच रही है कि इंसान किस तक जो है लालच के चपेट में आते चले जा रहे हैं और जो जीवन देने लायक हो चीज़ें हैं संसाधन उसको नष्ट करते चले जा रहे हैं। उत्पादन की अधिकतम सीमा तक पहुंचने क्रम में हम उन सभी संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं जो भावी पीढ़ियों को संपत्ति है, यानी आने वाला जनरेशन के लिए सारे संपत्ति है, लेकिन हम जो है इनको विवेकपूर्ण इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कहते हैं इसका दुरुपयोग करने के कारण आने वाला समय में हमारे पूर्वज जो है आने वाले में उनका जो है इनको से दीदार भी नहीं हो पाएगा। कहते सतत पोषण विकास के विचार के अनुसार संसाधन विरासत है जो कि मानव समाज की पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है। कहते हैं बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो हमारे पास आज संसाधन है वो हमारे बाद हमारे जो है बच्चों के लिए उपयोगी होगा, लेकिन हम जिस प्रकार से इसको जो है नष्ट कर रहे हैं हमारे जीवन के साथ साथ जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए भी बहुत दुखदायक परिस्थिति पैदा कर सकती है। कहते हैं नवीकरण के अयोग्य संसाधन कुछ समय बाद समाप्त हो सकती हैं, यानी नवीकरण अयोग्य जो संसाधन है इसमें जनरल सी बात है समाप्त हो सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही चर्चा कर चुका हूँ कि कोयला पेट्रोल जो है समाप्त होने के कगार पे आ चुके हैं और आने वाला कुछ समय में जो है इसका खात्मा होना एक स्वाभाविक बात बन जाती है। तो आने वाला पीढ़ी जो है इसको सिर्फ सपनों में देखेगी और जो है सपनों में ही उसको एहसास होगा कि इसे गाड़ी मोटर भी चला करती थी। इसलिए जनसंख्या वृद्धि व संसाधनों के उपयोग के मध्य एक संतुलन बनाना आवश्यक है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो है जनसंख्या वृद्धि व संसाधनों के उपयोग के मध्य एक संतुलन बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। वास्तव में इस प्रकार का संतुलन समय व स्थान के संदर्भ में विभिन्न होते हैं, यानी देखा जाए तो संतुलन जो है समय व स्थान के संदर्भ में विभिन्नता देखने को मिलता है। निस्संदेह हमें किसी भी क्षेत्र या देश में जनसंख्या या व संसाधनों के मध्य जो है शैक्षिक किस जगह गतिशील संतुलन को देखना पड़ता है और इस दोनों में से किसी एक में असंतुलन हमारे आर्थिक सामाजिक और संस्कृति विकास की नेता को भंग भी कर सकती है। इसलिए संसाधन का उपयोग जो है विवेकपूर्ण करने की आवश्यकता है। अगर हम विवेकपूर्ण नहीं इस्तेमाल करेंगे तो आने वाला समय में जो है ये एक सपना के रूप में ही देखा जा सकता है। इसलिए संसाधनों का जो है नियोजित ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए ताकि संतुलन असंतुलन न उत्पन्न हो सके। और इसमें कहते हैं जितना भागीदारी सरकार की है उतना ही भागीदारी हर एक प्रत्येक मनुष्य की है। कहते हैं प्रत्येक मनुष्य को इस बात को सोचने की आवश्यकता है कि प्राकृतिक नहीं है तो हमारा भी कोई अस्तित्व नहीं है।
हमारा जो अगला पॉइंट आया है अत्यंत महत्वपूर्ण है, संसाधनों के संरक्षण की विधियाँ। देखिए संसाधन के संरक्षण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, तभी जो है हम आने वाले फ्यूचर के लिए भी उसका जो है इस्तेमाल करने लायक रख सकते हैं। और इस तब संभव होगा जब हम संसाधन संरक्षण की विधियों को जानें और समझें। और ये आप यहीं पर समझ सकते हो कि संसाधनों को संरक्षण किस विधियों के द्वारा जो है किया जा सकता है और संसाधन हमारे लिए कितने उपयोगी है संरक्षण करने के लिए। तो कहते हैं ये आवश्यक है कि लोगों के मध्य संसाधनों के जो है परिरक्षण एवं संरक्षण के बारे में जागरूकता उत्पन्न की जाए। प्राकृतिक संसाधनों के बड़े पैमानों पर जो है विनाश के घातक परिणाम के बारे में लोगों को जागरूक भी बनाना चाहिए, क्योंकि जब तक जागरूक ये नहीं होंगे तब तक नहीं हमारा जो है प्राकृतिक संसाधन संरक्षण रह सकता है। सरकार बेशक रूल रेगुलेशन बनाए लेकिन जब तक लोग जो है इस पर पालन नहीं करेंगे तब तक रूल रेगुलेशन का कोई अर्थ और कोई मान्यता नहीं रह जाती है। दूसरी पॉइंट यही दर्शाता है कि वनरोपण, देखिए वनरोपण ही इसका एक सबसे सटीक और सबसे इम्पोर्टेंट रूल रेगुलेशन हो सकती है, क्योंकि वन ही जो है प्राकृतिक में संतुलित जो है कायम रखने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो अभिवृक्त तथा युवा वृक्षों को काटने से रोकना तथा लोगों में वृक्ष के रोपण तथा पोषण के बारे में जागरूक उत्पन्न करना वनों के संरक्षण में सहायक सिद्ध हो सकता है। और इसमें जो है हर एक व्यक्ति का जो है महत्वपूर्ण योगदान भी हो सकता है। जब तक प्रत्येक व्यक्ति इसमें जागरूक नहीं होगा, समझदार नहीं होगा, कहते संसाधन संरक्षण करना संभव नहीं रह जाएगा। उसके पश्चात हमारे समक्ष है पहाड़ी क्षेत्रों में जो है सीढ़ीदार कृषि करें। देखिए पहाड़ी क्षेत्र में कृषि करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि सीढ़ीदार कृषि की जाए, क्योंकि इससे जो है हमारे प्राकृतिक संसाधन के जो है दोहन से बचाया जा सकता है। समुझे रेखाओं के अनुरूप जो है जुताई झूम कृषि पर जो है नियंत्रण, अति चराई और अवनवीकरण को रोकना मृदा संरक्षण की कुछ महत्वपूर्ण विधियाँ हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आ जाती है कि झूम कृषि जो है बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि झूम कृषि खेती आप जानते ही हो कि इसमें जो है कुछ समय के लिए कृषि की जाती है, उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है, तो वो झूम कृषि कहलाता है। और ये जो है हमारे प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो है बहुत जरूरी है कि झूम कृषि को जो है रोक लगाया जाए, नियंत्रण किया जाए। और अति चराई यानी जो कृषि के भी क्षेत्र होते हैं घास को जो है पशुओं द्वारा चरा दी जाती है, तो इस पर भी नियंत्रण रखना अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। और वन नालिकाओं को रोकना जो कि बहुत जरूरी है, मृदा संरक्षण के भी विधियों में अपनाया जा सकता है। कहते हैं अगर वर्षा जल को रोकने के लिए बांधों का निर्माण करें, फुहारा डीप या ट्रिक सिंचाई तकनीक का उपयोग किया जाए जो पौधों तक ही पानी पहुंचे, व्यर्थ में पानी न जाए। औद्योगिक एवं घरेलू उपयोग हेतु जल का जो है पुनर्चक्रण अमूल्य जल संसाधन संरक्षण में सहायता करेंगे। तो ये काफ़ी यहाँ पर महत्वपूर्ण है जल संरक्षण के संसाधनों के लिए उपयोग के लिए। देखिए कहते हैं जल ही जीवन है और इन चीज़ों को जो है पुण्य सही रूल रेगुलेशन से इस्तेमाल करके ही इसको बचाया जा सकता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात को यहाँ दर्शाया गया है। अगर अगले पॉइंट की हम बात करें तो साफ हो जाता है खनिज अनवीकरणीय संसाधन है, इसलिए कुशल जो है उपयोग निकालने का साधन भी जरूरी है। देखिए अगर आपको पता हो कि खनिज जो है अनवीकरणीय संसाधन है, यानी एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा इसका उपयोग नहीं किया जा सकता, तो इसका जो है बहुत ही कुशल उपयोग करना चाहिए और विवेकपूर्ण इस्तेमाल करने पर जो है जोर देना चाहिए और इसके संरक्षण पर भी ध्यान देना अत्यंत महत्वपूर्ण बात रहता है। कहते हैं ज़्यादा अच्छी तकनीक का विकास करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और खनिज का पुण्य चक्रण तथा स्थानोपन के लिए उपयोग द्वारा इनका जो है संरक्षण किया जाना चाहिए, जो कि और भी महत्वपूर्ण बात आता है। कहते हैं ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों को बचाने के लिए ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों जैसे सौर पवन जल का विकास करना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अगर हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, पारंपरिक स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं, तो कई मायने में जो है हम प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर था। यहाँ पर हमारे समक्ष एक बॉक्स आया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस बॉक्स में जो है सारांश के रूप में हर एक बात को दर्शाया गया है, जिसे आप समझ सकते हो संसाधनों के संरक्षण से तत्पर उनके विवेकपूर्ण एवं जो है नियोजित उपयोग के साथ ही उनके अपव्यय दुरुपयोग एवं अति उपयोग से बचाव करते हुए प्राकृतिक संसाधनों का पुण्य उपयोग करना अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। यह आवश्यक है कि लोगों को जो है मध्य संसाधनों के परीक्षण एवं संरक्षण के बारे में जागरूकता उत्पन्न की जाए और ये तभी हो सकता है जब इस पर जागरूकता के लिए लोग कदम उठाएं और प्रत्येक लोग जो है इस पर बहुत विवेकतापूर्ण जो है अपनी विचारधाराओं को रखें। कहते हैं अनवीकरणीय साधनों का संरक्षण एवं सर्वाधिक उचित उपयोग आवश्यक होती है, तो इसलिए अनवीकरणीय संसाधन है उसका जो है हमें विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए और जितना हो सके जो है नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग करना चाहिए, जिससे अनवीकरणीय संसाधन की संरक्षण किया जा सकता है।
हमारा अगला पॉइंट जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है, संसाधन संरक्षण पर नीति। देखिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है यहाँ पर कि पर्यावरण संरक्षण चेतना के विकास के साथ भारत जैसे विकासशील देशों के लिए संसाधनों का जो है कुशल उपयोग महत्वपूर्ण हो गया है। नए संसाधन की खोज जो है कचरे के कम से कम करने की तकनीक और नवीकरणीय संसाधनों के संरक्षण के लिए हमें अपने अनुसंधान और विकास के प्रयत्नों को बढ़ाना पड़ेगा। कहते भारत सरकार ने हमारे जैविक अजैविक साधनों के संरक्षण के लिए जो है कई योजनाएं बनाई हैं। वह कार्यक्रम को जो कार्यगत भी किया गया है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला कार्यक्रम तो यही बनाया गया कि राष्ट्र में वन एवं पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को जो है उच्च प्राथमिकता देने के लिए जो है सन 1980 में केंद्र स्तर पर वन एवं पर्यावरण मंत्रालय बनाया गया था और आज अभी सभी राज्य जो सरकार ने भी वन एवं पर्यावरण का जो है स्वतंत्र मंत्रालय बनाया है। लेकिन कहते हैं सरकार ने हर चीज़ तो बनाया है लेकिन इसका सही उपयोग अभी तक देखने को नहीं मिला है। उसके पश्चात 1950 के राष्ट्रीय वन नीति को राष्ट्र के तत्कालीन आवश्यकताओं के अनुसार वनों के संरक्षण सुरक्षा विकास के लिए कहते 1988 में संशोधित भी किया गया था और इस नीति के अंतर्गत हरित क्षेत्र को बढ़ाने, जलाऊ लकड़ी के उत्पादन एवं आपूर्ति आदि के लिए सामाजिक वनिक योजना जो है प्रतिवर्तित की गई थी। कहते हैं बनाया गया है, बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। उसके पश्चात आता है भूमि से साधनों के संरक्षण तथा इनके अनुकूलतम प्रयोग के लिए संदर्भ में योजनाएं बनाने के लिए 1983 में राष्ट्रीय भूमि उपयोग एवं संरक्षण बोर्ड की स्थापना भी की गई है और कहते हैं सन जो है 1985 में इसे पुनः संगठित भी किया गया है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि अगली पॉइंट पर हम ध्यान दें, राष्ट्रीय जल नीति सन जो है 1987 में पारित की गई थी जो सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन और नौ संचलन जल के औद्योगिक एवं अन्य उपयोग के अलावा सबसे बढ़कर पेयजल को प्राथमिकता दी गई थी जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। कहते अगले पॉइंट जो था बहुत महत्वपूर्ण है कि सन 1990 में बनी राष्ट्रीय खनिज नीति जो है खनिजों के उत्खनन एवं निर्यात के लिए घरेलू विदेशी उपक्रमों के जो है निवेश की अनुमति देती है। केंद्रीय खान मंत्रालय के अंतर्गत प्राधिकरण को यह खनिज जो है उत्खनन में निवेश एवं परमिट के लिए यह अनुमति देता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर नीतियाँ बनाई गई है। उसके पश्चात जो है अंतिम पॉइंट, देखिए नई कृषि नीति में परिमित्र एवं सतत वाही कृषि तकनीकी जैसे जैव तकनीक को प्रोत्साहित किया गया है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण तो इस बॉक्स में दिए गए शब्द भी हैं जिसको आपको अपने कॉपी में नोट करना चाहिए कि वनों की सुरक्षा विकास के लिए राष्ट्रीय वन नीति जो है प्रवर्तित की गई है। जल संसाधनों के संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय जल नीति पारित की गई है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं नई कृषि नीति जैव तकनीकों का जो है प्रमुखता से उपयोग और प्रोत्साहित भी करती है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण ये भी सारे पॉइंट थे जिसको हमने यहाँ समझने की कोशिश किया। सब के सब जो है वन के ऊपर अपना महत्वपूर्ण स्थान बताते हैं। तो ये चैप्टर जो था काफ़ी महत्वपूर्ण था पर्यावरण के अंतर्गत जिसको आपको देखना चाहिए और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था हमारा पर्यावरण, हमारे जो है संसाधन जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जितना हो सके आपने तिरपान सेंटर का हेल्प करना है और हेल्प करने के लिए आपने कुछ नहीं करना है, जो है लिंक को यूट्यूब से कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना है क्योंकि तिरपान सेंटर का उद्देश्य यही है कि ये वीडियो हर एक बच्चे तक पहुँचे और इस वीडियो का हर एक बच्चा जो है फ़ायदा उठाए और इसमें जो है आप इसके जो है कड़ी बन सकते हो, अच्छे आप कर सकते हो। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो है शेयर करना है वीडियो को। ठीक है, और पहली बार वीडियो देख रहे थे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में अवश्य सेव कीजिए क्योंकि जब आपको कोई वीडियो की आवश्यकता होगी अगर आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तो दूर दूर तक जो है तिरपान सेंटर नज़र नहीं आएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपको जो है होम पेज मिल जाएगा, होम पेज पर सारे वीडियो उपलब्ध है। अगर आप क्लास के अंतर्गत वीडियो देखना चाहते हो तो इसके लिए भी प्रावधान है और प्रावधान ये है कि प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास के अंतर्गत सभी वीडियो को देखिए, समझिए और एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त कीजिए।